गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर पॉन्ड के बारे में। ओके तो जो सोलर पॉन्ड एक समझो कि यहाँ पे सोलर एनर्जी का समझो कि स्टोर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक मीडियम है, ठीक है। तो सोलर पॉन्ड एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते वैसे हम लोग। ओके तो लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक हाईलाइट कर लेते हैं हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वैसे। ओके तो हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड समझो कि कूलिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें जो हम लोगों ने VAR VCR साइकिल के बारे में डिस्कस किया था वैसे। ओके तो समझो कि आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सोलर पॉन्ड के बारे में। ओके तो यहाँ पे जो हमको दिख रही है वो फिगर सोलर पॉन्ड की है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि हम लोग सबसे पहले फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझो कि ये जो नीचे वाला जो एरिया है वो अलग अलग जोन में समझो कि तीनों समझो कि अलग अलग जोन में डिवाइड किया हुआ है पॉन्ड में। एक पॉन्ड यानी समझो एक तालाब, तालाब जैसा एक, बराबर, ठीक है। तो नंबर वन जोन है, जोन वन टू और ये थ्री, तीन जोन में सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे का जो बॉटम जो है वो है ब्लैक बॉटम है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो सरफेस कन्वेक्शन जोन, जो पहला जो जोन है वो सरफेस कन्वेक्शन जोन है, ठीक है। जो सेकंड जोन है वो नॉन कन्वेक्टिव जोन है। सरफेस कन्वेक्शन जोन यानी समझो कि सबसे पहले जो जो सोलर रेज जो है, ठीक है, वो फर्स्ट जोन के ऊपर गिरने वाली है, ठीक है। और वो समझो कि यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरा जो है वो नॉन कन्वेक्टिव जोन, यानी ये जो है वो समझो कि नॉन कन्वेक्टिव जोन है, यहाँ पे कोई भी कन्वेक्शन प्रोसेस होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जोन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ओके तो थोड़ी सी समझो कि डीप में बात करते हैं। इन द कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई सिस्टम, ओके जो समझो कि एनर्जी सप्लाई सिस्टम होती है वो यहाँ पे सोलर में समझो कि कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस सप्लाई सिस्टम जो है, ठीक है। इन द एनर्जी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। ओके तो बिल्कुल सही बात है कि समझो कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एनर्जी में समझो कि मेंटेन करनी पड़ती है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो स्पेशली इन अ सोलर एनर्जी सिस्टम द एनर्जी अवेलेबल ओनली पर्टिकुलर ड्यूरेशन। सोलर एनर्जी में क्या होता है कि डे लाइट में, डे टाइम में ही सिर्फ हमको एनर्जी मिलती है, शाम के टाइम में आफ्टर सनसेट हमको एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। ओनली द डे टाइम हमको यहाँ पे एनर्जी मिलती है। ओके हेंस द थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट। ओके तो समझो कि स्पेशली सोलर एनर्जी सिस्टम जो है, बराबर, उसमें क्या है कि यहाँ पे कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि समझो और टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। कि दिन में टाइम, दिन के टाइम पे हम लोगों को बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है और शाम के टाइम पे नहीं मिलती है। तो समझो कि शाम के टाइम पे हम लोगों को समझो कि एनर्जी का यूज करना हो तो हम लोग अगर स्टोरेज अवेलेबल है तो वो स्टोरेज एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलर पॉन्ड इज अ सोलर पॉन्ड इज अ डिवाइस टू कलेक्ट द स्टोर द सोलर थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट। ओके तो यहाँ पे क्या है कि जो सेंसिबल हीट के फॉर्म में सोलर पॉन्ड जो है वो क्या करता है कि हीट को कलेक्ट करता है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड शाम के टाइम पे, आफ्टर सनसेट के टाइम पे समझो कि क्या होता है कि वो समझो कि हीट को रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो यानी समझो कि एक स्टोरेज जैसा डिवाइस है कि जो सेंसिबल हीट के फॉर्म में हमारा जो पूरी समझो कि हमारा जो हीट है वो हीट को वो समझो है सेंसिबल हीट के फॉर्म में वो समझो गेन करता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपांस ऑफ वाटर अबाउट 2 मीटर डीप विद अ थिक ड्यूरेबल प्लास्टिक लाइनर। ओके तो मैं फिर से बता देता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंस ऑफ वाटर अबाउट 2 मीटर डीप, ये 2 मीटर डीप में होता है विद द थिक ड्यूरेबल प्लास्टिक लाइनर लेड एट द बॉटम। ओके सॉल्ट लाइक मैग्नेशियम क्लोराइड सोडियम देन समझो कि सोडियम नाइट्रेट एंड डिजोल्व, समझो ये सब चीजें जो है वो आर डिजोल्व इन अ वाटर, ये सब चीजें वाटर में डिजोल्व होती है। Then concentration varying from 20 to 30%. Okay,
तो ये सब चीजें जो है ठीक है कि हम लोग सॉल्ट में जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, जो है सोडियम क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है, वो वाटर में डिजोल्व होता है ठीक है, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 20-30% हम लोग यहाँ पे रखते हैं ठीक है। देर आर थ्री डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द वाटर इन द पाउंड। ओके, देर आर थ्री डिस्टिंक्ट लेयर, तीन लेयर यहाँ पे होते हैं ठीक है। तो सबसे पहली बात करें हम लोग, तो टॉप लेयर सरफेस कन्वेक्शन जोन। ओके, जो सबसे ऊपर का जो लेयर है वो है सरफेस कन्वेक्शन जोन। ओके, तो नॉर्मली जो ये सरफेस कन्वेक्शन जोन यहाँ पे फिगर में हमको दिख रहा है ठीक है, नॉर्मली जो ये जोन है, जो सबसे ऊपर वाला जोन जो है ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है जो हमको ठीक है, तो उसकी बात करें तो इट हैज अ स्मॉल थिकनेस अबाउट 0.3 मीटर टू 0.5 मीटर। ओके, तो ये जो थिकनेस जो है वो अराउंड 0.3 टू 0.5 मीटर। ओके, 0.5 मीटर जितना ये थिकनेस यहाँ ये जोन की होती है ठीक है। तो ये जो सबसे समझो कि थिन वाला यानी पतला वाला जो जोन है बराबर, स्मॉल थिकनेस वाला जो जोन है वो है सरफेस कन्वेक्शन जोन। इट हैज लो यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि लो यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसमें ये जोन में सबसे कम सॉल्ट समझो होता है ठीक है, 5% से भी कम जितना सॉल्ट यहाँ पे होता है ठीक है, एज वेल एज अ फेयरली यूनिफॉर्म टेम्परेचर क्लोज टू एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। ओके, तो समझो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर, ये जो सबसे पहला जो जोन है वहां पे सबसे कम टेम्परेचर हम समझो कि ऑलमोस्ट नियर टू ये जोन समझो कि सर हमारा जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है उसके नजदीक में ही इसका टेम्परेचर होता है। ओके, सेकंड जोन की बात करें। ओके, तो एंड इंटरमीडिएट इंसुलेटिंग लेयर विद द सोल्ट ग्रेडियंट। ओके, तो जो सबसे समझो कि ये एक इंसुलेटिंग लेयर है जहां पे सोल्ट ग्रेडियंट जो है ठीक है, ये सबसे समझो कि ज्यादा सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन नीचे के लेयर में होता है वैसे ये लेयर में। ओके, तो ये जो है बीच में समझो कि जो ये इंटरमीडिएट जो जोन है ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट इंसुलेटिंग लेयर। ओके, जो सेकंड जोन जो है वो है नॉन कन्वेक्टिव जोन जो है हमारा ठीक है, नॉन कन्वेक्टिव जोन ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा थिक होता है 1 टू 1.5 मीटर, यानी समझो कि ये जोन को क्या करना है, इंसुलेटिंग का काम करना है ठीक है, तो ये जोन जो है वो हमारा इंसुलेशन का काम करता है, तो समझो कि ये सबसे ज्यादा थिकनेस वाला जोन है हमारा सेकंड जोन जो है वो ठीक है, जिसको इंसुलेशन करना है, जो हमारा हीट जो हमारी जनरेट हुई है ठीक है उसको बाहर डिसिपेट नहीं करने देना है ठीक है, तो इसलिए ये जोन जो है वो सबसे थिक वाला जोन होता है। ओके, एंड ऑक्यूपाइज समझो ये जोन जो है वो हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द पाउंड वो ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो समझो कि आधी डेप्थ जो पाउंड की है, पाउंड की जो हमारी वो आधी डेप्थ को ये ऑक्यूपाई करता है ठीक है ये जोन। ओके, यानी समझो कि फर्स्ट और थर्ड जोन को मिलाए हम लोग तो भी उससे भी ज्यादा समझो कि ऑलमोस्ट ये फर्स्ट और थर्ड जोन जितनी डेप्थ ये जोन की होती है ठीक है। दिस लेयर एस्टाब्लिश एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट दैट प्रिवेंट्स द हीट एनर्जी हीट एक्सचेंज बाय द नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, और अभी हम लोग लास्ट जोन की बात करते हैं, थर्ड जोन जो है हमारा वो है बॉटम लेयर। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर कन्वेक्टिव और स्टोरेज जोन भी बोल सकते हैं हम लोग ठीक है, इसको हम लोग स्टोरेज जोन बोलते हैं थर्ड जोन जो हमारा है उसका, उसको अभी हम लोग बात करेंगे थर्ड जोन की जो मेन हमारा जोन है ठीक है। ओके ओके, तो थर्ड जोन। ओके, नॉर्मली इट हैज अ थिकनेस अबाउट 0.5 टू 1 मीटर, अगेन इसकी थिकनेस भी 0.5 मीटर से 1 मीटर जितनी होती है, एंड हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अराउंड 20% जितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर होता है ठीक है। ओके, तो क्यों समझो कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो बोथ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर नियरली कॉन्स्टेंट एट दिस जोन। ओके, तो समझो कि टेम्परेचर और ये जोन में कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों समझो कि
सेम होता है ये जोन में. दिस जोन सर्व्स एज अ मेन हीट कलेक्शन एज वेल एज थर्मल स्टोरेज मीडियम. क्योंकि यहाँ पे जो मेन हीट कलेक्शन यहाँ पे होता है, तो कैसे होता है समझो कि यहाँ पे जो नीचे का जो पोर्शन है, यहाँ पे जो सबसे बॉटम पोर्शन जो है बराबर, ठीक है, वो पोर्शन यहाँ पे ब्लैक सरफेस की गई हुई होती है. तो जो सोलर सन जो रेज जो है वो समझो कि ब्लैक सरफेस को हीटेड करते हैं, और यहाँ का जो सॉल्यूशन जो भी है, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि जो थिक सॉल्यूशन जो है हमारा, ठीक है, समझो कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन जो है वो नीचे के लेयर में होता है, ठीक है. तो जिसके कारण क्या होता है कि जो नीचे का लेयर जो है वो हीटेड होता है, यहाँ का जो नीचे का जो थर्ड वाला जोन जो है वो हीटेड होता है, ठीक है. और ये हीटेड जो जोन है वो समझो कि सन रेज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. ओके, तो इफ द वॉटर इज रिलेटिवली ट्रांसलेंट एंड पाउंड्स बॉटम एज हाई ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे हाई ऑब्जर्वेशन होता है, ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन, देन नियरली ऑल ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन विल गो इन टू द हीटिंग द बॉटम लेयर. ओके, वेन द सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द वॉटर इट्स टेम्परेचर इंक्रीज विच कॉज द थर्मल एक्सपांशन एंड रिड्यूस डेंसिटी. ओके, तो जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे समझो कि ये लेयर में समझो कि जनरल केस में क्या होता है कि नॉर्मल केस में ऐसा होता है कि अगर समझो कि सोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है जहाँ पे, ठीक है, वो जगह की डेंसिटी कम होती है क्योंकि वहाँ पर वो जोन जो है वो हीटेड होता है, ठीक है, तो जिसके कारण उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है. तो डेंसिटी कम होने के कारण ओके द वॉटर वेयर फ्रेश द लो डेंसिटी हॉट वाटर वुड फ्लोट द सर्फेस. ओके, जो लो डेंसिटी वाला जो वाटर हमारा है वो सर्फेस की तरफ फ्लोट करता है. ओके, जनरल केस में ऐसा होता है हमारा, ठीक है, जो विदाउट सॉल्ट वाला जो वाटर होता है उसकी बात है, क्योंकि विदाउट सॉल्ट वाटर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है और सॉल्टेड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है. और इसके कारण क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ द वाटर बाय द कन्वेक्शन, ये जो पूरी सिस्टम होता है उसके कारण कन्वेक्शन के कारण वाटर सर्कुलेशन होता है और जो हीटेड वाटर होता है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है, यानी समझो कि नॉर्मल सर्कुलेशन चालू रहता है. ओके, द टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोन कॉज द डेंसिटी ग्रेडियंट दैट डिक्रीज विद द डेप्थ. ओके, तो यहाँ पे क्या समझो, द सिचुएशन इज चेंज, द पॉन्ड कंटेंट्स सॉल्ट वाटर. अभी यहाँ पे जो पॉन्ड्स जो है वो सॉल्ट वाटर से कंटेंट, समझो कि सॉल्ट वाटर इसके अंदर 20-30% जो जितना हम लोग सॉल्ट कंटेंट हम लोग डालते हैं, समझो कि एट द बॉटम लेयर विथ लेयर ऑफ फ्रेश वाटर अबव. ओके, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश वाटर होता है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट कम होता है और नीचे के लेयर में हम लोग यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट वो ज्यादा होता है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, द सैलिनिटी ग्रेडियंट फ्रॉम द डेंसिटी ग्रेडियंट दैट इंक्रीज द डेप्थ एंड दिस द टेम्परेचर ग्रेडियंट दस प्रिवेंटिंग हीट इन द लोअर लेयर्स फ्रॉम द मूविंग अपवर्ड बाय द कन्वेक्शन एंड लीविंग द पाउंड बिकॉज ऑफ सॉल्ट कंटेंट. द सॉल्ट समझो यहाँ पे पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज होती है, यहाँ पे नीचे की डेंसिटी ज्यादा रहती है समझो कि क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट होता है इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है, ठीक है. तो जो हमारा जो वाटर हीटेड होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और यहाँ पे समझो कि इंसुलेटिंग लेयर है हमारा बीच में, ठीक है. तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हीट है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाती, ठीक है. तो यानी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, वो समझो हीट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो रिलेटिवली समझो कि क्या होता है यहाँ पे, द स्टेबल लेयर ऑफ द हीट सॉल्ट वाटर इज दस प्रोडक्ट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड विद द lighter layer of cool and fresh water, okay, which acts the heat insulator above it, okay. तो समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि जो hot जो water का जो layer है वो नीचे की तरफ समझो कि रहता है, ठीक है, और बाकी के जो ऊपर के layer है वो insulator का काम करता है, okay. Normally the temperature at the bottom of pond will rise around 90 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे जो बॉटम का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस तक समझो कि ऊपर जाता है, वाइल द टेम्परेचर एट द टॉप पाउंड टॉप लेयर ऑफ द पाउंड पॉन्ड इज
यूजुअली अराउंड 30 डिग्री, यानी ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो यहाँ पे ऊपर ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इतना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरी जो समझो कि कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल सिस्टम से पूरा का पूरा उल्टा होता है। कि जनरल केस में हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि जो समझो कि हीटेड वाटर होता है वो समझो कि फ्लोट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। पर यहाँ पे सॉल्टी वाटर होने के कारण उसकी डेंसिटी समझो ज्यादा होती है और वो नीचे की तरफ ही रहता है, ठीक है। सोलर पॉन्ड कैन बी यूज फ्रॉम वेरियस एप्लीकेशन सच एज अ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग, ओके, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग, देन समझो डिस्टिलेशन, रेफ्रिजरेशन हीटिंग, एनिमल हाउसिंग, ड्राइंग क्रॉप्स ऑन अ फार्म, हीट ऑफ द बायोमास कन्वेक्शन, ऐसे समझो कि सब जगह पे, ऐसे काफी सारी जगह पे ये जो सिस्टम जो है सोलर पॉन्ड की सिस्टम वो यूज होती है, ठीक है। देन समझो कि बात करें पावर जनरेशन में भी ये सोलर पॉन्ड की सिस्टम यूज, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री जो बॉटम लेयर का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 90 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस तक हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। द हीट सप्लाइड, द हीट ट्रैप्ड इन द सॉल्टी बॉटम लेयर कैन बी यूज फॉर मेनी डिफरेंट पर्पस, बहुत डिफरेंट पर्पस पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट हमने डिस्कस किया कि हीटिंग ऑफ बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल हॉट वाटर और डीवन एन ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल टर्बाइन, ओके, तो जिसके कारण हम लोग समझो कि रैंकाइन साइकिल टर्बाइन भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, ट्रिव कर सकते हैं, ओके। देन समझो कि और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम लोग ये सोलर पॉन्ड का समझो कि जो हॉट हाँ यहाँ पे हीटेड वाटर का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। तो समझो कि ये अभी जो पूरा का पूरा डिस्कशन था वो सोलर पॉन्ड के बारे में था, ओके। अभी हम लोग समझो कि नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोलर पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा, बराबर। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन उसका डिस्कशन करते हैं वैसे, ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट्स, ओके, तो सोलर पावर प्लांट समझो कि वन ऑफ द समझो कि एक जो अभी के टाइम में समझो कि हम लोग फॉसिल फ्यूल का जनरल यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही एक समझो कि अच्छा इन्वेंशन है जिसके कारण हम लोग समझो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, ठीक है, कि फॉसिल फ्यूल का यूज करें बगैर, ओके। तो सोलर पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी कैन बी बॉर्डली क्लासिफाइड इन टू बोर्ड कैटेगरीज, ओके। तो सोलर फोटोवोल्टिक कैटेगरीज सबसे पहले, ओके, समझो सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, ओके। तो फोटोवोल्टिक कन्वर्टर्स आर सेमी कंडक्टर डिवाइस, जिसके कारण क्या होता है कि समझो कि सेमी कंडक्टर डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, डीसी करंट जनरेट करता है, दैट कन्वर्ट्स द पार्ट ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इन टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये सिंपल जो फोटोवोल्टिक सिस्टम जो हमारी है जो वो क्या करती है, डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम लोगों ने काफी सारी जगह पे छतों पे और बहुत सारी जगह पे जो इंडस्ट्री में सोलर पावर प्लांट्स लगे हुए होते हैं वो हमने देखे हैं, वो समझो कि ये सिस्टम फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी पे ये सिस्टम काम करता है, ठीक है। देन दूसरी बात करें सोलर थर्मल पावर प्लांट्स, ओके। तो सोलर थर्मल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बाय द कन्वर्टिंग अ सोलर रेडिएशन इन टू द हाई टेम्परेचर। समझो कि अभी जस्ट हम लोगों ने सोलर पॉन्ड के बारे में डिस्कस करा कि वो क्या करता था, सोलर पॉन्ड जो है वो हाई टेम्परेचर में जो नीचे का जो सॉल्टी सॉल्यूशन था उसको हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो ऐसे ही समझो कि रेडिएशन जो है वो कन्वर्टेड इनटू द हाई टेम्परेचर हीट यूजिंग द मिरर्स एंड रिफ्लेक्टर्स, और मिरर्स और रिफ्लेक्टर का यूज करके समझो कि हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करे, ठीक है। और वो टेम्परेचर का हम लोग रैंकिन साइकिल को ड्राइव करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करें, ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में बात करें हम लोग, अभी क्लासिफिकेशन करते हैं उसका, ओके, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर थर्मल सोलर पावर प्लांट के बारे में बात करें, ठीक है। सबसे पहले लो, समझो कि यहां पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, सबसे पहले कि हम लोग टेम्परेचर के बेस में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कलेक्टर्स, ओके। तो सबसे पहली यहाँ पे बात है बेस्ड ऑन टेम्परेचर के बारे, टेम्परेचर के समझो कि बेस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले लो टेम्परेचर साइकिल,
दूसरा मीडियम टेम्परेचर साइकिल और तीसरा जो है वो हाई टेम्परेचर साइकिल। ओके, तो तीन तरीके की साइकिल हम लोग यहाँ पे समझो कि एक लो टेम्परेचर वाली साइकिल, मीडियम टेम्परेचर वाली साइकिल और समझो कि हाई टेम्परेचर वाली साइकिल पे इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले लो टेम्परेचर साइकिल की बात करें, थोड़ा सा डिस्कशन कर देते। ओके, तो मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिटेशन जो यहाँ पे है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ये पावर प्लांट जो है वो समझो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है। ओके, यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज है वो 100 डिग्री है। ठीक है, फॉर द लो टेम्परेचर साइकिल द थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रीफर्ड इज अ रैंकाइन साइकिल। ओके, अगर लो टेम्परेचर साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग रैंकाइन साइकिल को यहाँ पे प्रीफर करते हैं, क्यों हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, अभी हम लोग बेसिक थोड़ा देख लेते हैं। ओके, देन दूसरी बात करें तो वो है मीडियम टेम्परेचर साइकिल। ओके, तो मीडियम टेम्परेचर साइकिल रेंज जो हमारा है, ठीक है, वो है 150 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मीडियम टेम्परेचर रेंज जो है यहाँ पे जो सबसे पहले लो टेम्परेचर में मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 150 डिग्री टू जो मीडियम टेम्परेचर है वो 150 डिग्री टू 300 डिग्री। ओके, और थर्ड जो है वो हाई टेम्परेचर साइकिल जो है वो अबोव थर्ड 300 डिग्री। अगर 300 डिग्री से ऊपर अगर समझो कि कोई पावर प्लांट वर्क कर रहा है यहाँ पे सोलर पावर प्लांट, तो वो हाई टेम्परेचर साइकिल पे वर्क कर रहा है। ओके, तो समझो कि मीडियम टेम्परेचर की बात करें तो फॉर मीडियम टेम्परेचर साइकिल थर्मोडायनेमिक साइकिल आल्सो प्रीफर रैंकाइन साइकिल। मीडियम में भी हम लोग ये दोनों में हम लोग रैंकाइन साइकिल का यूज करते हैं। ओके, और समझो कि जो हाई टेम्परेचर जो है फॉर द हाई टेम्परेचर साइकिल द थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रीफर रैंकाइन साइकिल। ओके, देन समझो कि ब्रेटन साइकिल और स्टर्लिंग साइकिल, हम लोग ये तीनों साइकिल पे ये हाई टेम्परेचर जो साइकिल्स है समझो कि ये तीनों सिस्टम पे हम लोग ये जो पूरा हमारा पावर प्लांट है वो वर्क करता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर रेंज हमारे पास जो है उसके ऊपर हम लोग क्लासिफाई करें तो ये तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही अगर समझो की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ टाइप्स ऑफ कलेक्टर, हम लोग कौन से तरीके का कलेक्टर यूज कर रहे हैं उसके बेस पे हम लोग क्लासिफाई करें तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेस on collectors, okay, types of collector used, okay, तो समझो कि अगर हम लोग एज अ कलेक्टर सोलर पॉन्ड यूज कर रहे हैं, okay, तो उसके समझो कि सोलर पॉन्ड हम लोगों ने डिस्कस किया कि कलेक्शन में हम लोग क्या करते थे, जो नीचे का जो ये जो सोलर पॉन्ड था हमारा, ठीक है, उसमें अलग अलग लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3। ओके, जो सबसे नीचे का लेयर था वो सॉल्टी था, ऊपर का लेयर कम सॉल्टी था, ठीक है, तो और समझो कि अगर हम लोग एज अ हीट यहाँ से हीट हॉट वाटर का यूज कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो वो सोलर पॉन्ड पावर प्लांट है। ठीक है, देन समझो कि सोलर डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टर इन थर्मल पावर प्लांट। ओके, देन थर्ड वन बात करते हैं सेंट्रल रिसीवर सिस्टम और पावर टावर हॉलीस्टेट। ओके, पावर टावर हॉलीस्टेट, ओके, सेंट्रल, ये सब चीजें हम लोग जो अलग अलग कलेक्टर्स जो है वो डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। ठीक है, देन बात करते हैं सोलर चिमनी पावर प्लांट। ओके, जो लास्ट वन जो है वो है सोलर चिमनी पावर प्लांट। ओके, तो ये चार तरीके के कलेक्टर्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये पूरा का पूरा डीप में। ओके, तो समझो कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था जो हमारा वो लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। ओके, तो लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।